Good afternoon, everyone. So, you have given your cycle test on Saturday and you have celebrated Rakhi also. So, in today's class and tomorrow's class, we will not do any further topic. We will just revise the test only. In today's class, we will revise the subjective test, and tomorrow's class, we will revise the objective test. So, in today's class, let's start with. दी रिविजन और द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट सो दैट आपको पता चल सके कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक करी है या फिर आपके कितने आंसर्स जो हैं वो सही हो सकते हैं यू यू कैन हैव दैट आइडिया सो दैट सो लेट स्टार्टार्ट विद तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना था एक इक्वेशन गिवन थी आपको ये टू एक्स माइनस थ्री इज इक्व टू वन ठीक है और आपको इसकी दो स्टेटमेंट फॉर्म लिखनी थी सो फर्स्ट स्टेट में देखो इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट फॉर्म्स हो सकती हैं बस उनकी मीनिंग जो है वो यही होनी चाहिए सो so, मैंने जो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं दैट इज़ थ्री सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर माइनस थ्री लिखा है तो आपको थ्री सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस तरीके से लिखना है और जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 2x वो आप बाद में लिखोगे अब 2x को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ x भी लिख सकते हैं या फिर हम 2 टाइम्स x भी लिख सकते हैं तो फर्स्ट स्टेट में मैंने लिखा है 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ x गिव्स 1 नेक्स्ट में मैंने लिखा है व्हेन 2 टाइम्स x इज डिक्रीज्ड माइनस है ना तो माइनस का मतलब डिक्रीज्ड हो गया बाय 3 इट गिव्स 1 ओके नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन था एल पैरल टू एम देखो गिवन लिखना बहुत जरूरी है सो दैट ज्योमेट्री का एक पूरा प्रॉपर स्टेप्स होते हैं मेथड्स होते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो यू हैव टू राइट द गि ऑल्सो एंड अगर आपको कुछ प्रूव करना होता है दैट ऑल्सो वी राइट वो भी लिखते हैं हम एंड देन वी स्टार्ट द दोल्यूशन उसके बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सो नाउ दिस वॉज द फिगर आपको यहाँ पे ए एंड बी की

ऐसे करके आप मेरा डॉट जैसे जैसे जा रहा है उस पर अगर मैं ध्यान दूं तो इट इज समथिंग द शेप ऑफ लाइक एफ जब भी ये एफ शेप बनती है दैट इज अ कोरिस्पोंडिंग एंगल ठीक है तो इसका मतलब कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स भी क्योंकि बराबर होते हैं तो बी की वैल्यू भी हंड्रेड होगी सो नाउ फाइनली आई गॉट ए इज इक्वल्स टू हंड्रेड डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू हंड्रेड डिग्री सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बोला था कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है दैट इज़ टॉल कितनी टॉल है दैट इज़ अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग वो आपको सिक्स सेंटीमीटर गिवन थी जो शेडो की लेंथ थी जब बिल्डिंग की शेडो जो बन रही है दैट इज एट मीटर ठीक है वो एट मीटर है सेंटीमीटर नहीं हो सकते बिकॉज़ बिल्डिंग थोड़ी बड़ी होती है है ना तो दैट इज़ एट मीटर अब वो आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ टिप ऑफ द शेडो टिप ऑफ द शेडो कहाँ है शेडो यहाँ से स्टार्ट होती है जैसे जहाँ पे हम खड़े होते हैं हमारा पैर जो होता है दैट इज़ वहाँ से शेडो स्टार्ट होती है और जहाँ पे हमारा सिर दिखता है शेडो में जो शेडो में हमारा सिर दिखता है दैट इज़ द टिप ऑफ दैट शेडो दिस सी पॉइंट आई हैव टेकन दैट ठीक है तो हमें डिस्टेंस निकालना था टिप ऑफ द शेडो एंड ऑब्वियसली जो टॉप है बिल्डिंग का दैट इज ए अगर बिल्डिंग वर्टिकली खड़ी होती है स्टैंड करती है सो ए शुड बी वर्टिकली अगर स्टैंड करती है तो ए शुड बी द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग एंड सी शुड बी द टिप ऑफ द शेडो ठीक है ओके नाओ इफ वी कम टू तो हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है दैट इज ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली ये ए सी होगा तो हमें ये निकालना है बिकॉज बिल्डिंग वर्टिकली हमेशा स्टैंड करती है इट मीनस ये क्या होना चाहिए नाइन्टी डिग्री होना चाहिए सो बिल्डिंग स्टैंड वर्टिकली देयर फॉर ए बी सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो अगर ये नाइन्टी डिग्री है तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो ये हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी हो जाएगी ए सी स्क्वायर क्यों अलग से होगा बिकॉज नाइनटी डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है कॉल्ड हाइपोटेन्यूज और वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है तो हमने यहाँ पे बी स्क्र प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क् सॉरी इज इक्वल्स टू एच स्क्र का लगाया एंड व्हाट वी विल गेट हमें मिलेगा सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ठीक है सिक्स जो कि हमारी बिल्डिंग की हाइट है एट जो कि हमारी शेडो की है लेंथ है एंड ए सी जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है दोनों के टिप के बीच का डिस्टेंस है सो so, सिक्स का स्क्वायर इस थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर एंड हंड्रेड थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर इट विल बी हंड्रेड नाउ एंड इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर तो अब अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो इधर जाके क्या हो जाए ऑब्वियसली या तो रूट होगा या हम हंड्रेड को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे सो आई कैन राइट इट एज टेन का स्क्वायर सो so, मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ए सी की वैल्यू टेन मीटर है सो so, इसका मतलब शेडो की टिप और टॉप ऑफ द बिल्डिंग के बीच में टेन मीटर का गैप है डिस्टेंस है कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है आपको ये ट्राइंगल गिवन है ए सी बी ठीक है जिसमें ए ये ए डी जो है दैट इज़ अ मीडियन ये आपका मीडियन है गिवन है आपको अब मीडियन का क्या काम होता है वो आप गिवन में ही लिख दो ए डी इज मीडियन वो लिख दिया सी डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ़ बी सी तो सी डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ़ बी सी ठीक है क्यों क्योंकि ये हाफ दो टू हाफ्स में डिवाइड करिए तो हम ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को सो so, आई टेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है सो नेक्स्ट हमने क्या किया एक एक करके ट्राइंगल्स को लिया सबसे पहले मैंने ए सी डी ट्राइंगल को लिया दिख रहा है यहाँ पे ए सी डी ये वाला ट्राइंगल जो लेफ्ट साइड पे है क्योंकि मुझे राइट right साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मुझे प्रूफ मुझे चेक करना था मुझे चेक क्या करना था कि टू ए डी ए डी की वैल्यू डबल तो ए डी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया ऑब्वियसली मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ ए सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर दैन ए डी हुँ? तो मैंने इसको लिख दिया ए सी प्लस सी डी इज ग्रेटर दैन ए डी सो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी डी सी डी क्योंकि अभी अभी हमने लिखा है कि सी डी जो है एंड बी डी के इक्वल है एंड दोनों ही बी सी का हाफ़ है बिकॉज़ पूरी साइड का हाफ हो गया यू मीडियन ने उसको हाफ में डिवाइड कर दिया है सो इट मीन्स मैं सी डी की जगह पे हाफ ऑफ बी सी लिख सकती हूँ सो आई हैव रिटन ए सी जो कि एज़ इट इज़ लिखा है एम्प्लाइज़ का साइन लगाया प्लस सी डी की जगह पे मैंने हाफ ऑफ़ बी सी लिख दिया है ग्रेटर दैन ए डी यहाँ पर लिख दिया है मैंने ग्रेटर दैन ए डी नाइन ट्राइंगल ए डी बी अब ए डी बी ट्राइंगल के अंदर ए डी बी ये अब जो ये राइट right साइड पे जो ट्रायंगल है अब हम इस पे भी वही सेम चीज़ लगाएंगे फिर से हम देख सकते हैं कि अगर ये साइड ए बी है प्लस साइड बी डी है इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ऑब्वियसली जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की दैट इज ए डी उससे बड़ा होगा सो सिमिलरली आई हैव रिटन इन ट्रायंगल ए डी बी ए बी प्लस बी डी ग्रेटर दैन ए डी सो अगेन बी डी भी जो है दैट इज़ अ हाफ ऑफ़ बी सी सो मैंने लिख दिया है यहाँ पर हाफ़ ऑफ़ बी सी सो इट वुड बी ए बी प्लस हाफ़ ऑफ बी सी ग्रेटर दैन ए डी नाउ एडिंग टू एंड थ्री अब हम अगर टू एंड थ्री को ऐड कर देते हैं ठीक है तो मैंने टू नाम दिया था जब मैंने लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ये लगाया था ए सी प्लस हाफ ऑफ बी सी ग्रेटर दैन ए डी एंड थ्री मैंने नाम दिया था जब मैंने राइट वाले ट्राइंगल में यही सेम कॉन्सेप्ट लगाया कि टू साइड्स का सम ग्रेटर दैन थर्ड साइड होता है अब मैं जब इन टू और थ्री ये जो स्टेटमेंट्स बनी हैं इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये ध्यान रखना है लेफ्ट साइड को अलग से ऐड करते हैं राइट right साइड को हम अलग से ऐड करते हैं और ये जो साइन है वो हम एक ही बार बीच में लगा देते हैं लेफ्ट और राइट right के बीच में लगा देते हैं तो हम मैंने क्या लिखा ए सी ये एज़ इट इज़ मैंने लिख दिया ध्यान से अगर देखोगे ये वाला ए सी मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है ठीक है देन हाफ ऑफ बी सी देन सेकेंड जो थर्ड वाली है ए बी ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे इस साइड को ए बी एंड देन नेक्स्ट वॉज बी डी तो बी डी की जगह पे हाफ ऑफ पी सी था मैंने लिख दिया है ग्रेटर दैन राइट साइड पे ए डी एंड ए डी है टू ए डी हैं तो आई विल राइट इट एज ए डी प्लस ए डी टू ए डी एंड हेयर इट विल बी ए सी प्लस ए बी हाफ़ ऑफ़ बी सी प्लस हाफ ऑफ़ बी सी तो अगर मैं टू टाइम्स हाफ को ऐड करूँ तो इट विल बी अ फुल बी सी सो इट विल बी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन टू ए डी नाउ फाइनली आई हैव रिटन इन द फॉर्म जिस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन में मैंशन था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर दैन टू ए डी सो आई कैन से बिकॉज मेरी स्टेटमेंट एज इट इज आ रही है क्वेश्चन की तरह सो इट मीन्स माई आंसर वॉज आई मीन द क्वेश्चन वॉज करेक्ट इट वॉज़ ट्रू अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पर सेवेंथ क्वेश्चन में आपको ड्राग्राम गिवन नहीं था बट आपको जिस तरीके से क्वेश्चन में मेंशन था आप उससे इजीली उसको कैलकुलेट करके फ़ाइंड आउट कर सकते हो डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन था ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं आई मीन सॉरी उनको तुम्हें फाइंड आउट करना था सो so, अभी अगर हम ध्यान से देखें ये मैंने थोड़ा सा रफ़ एक स्केच बनाया है ठीक है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्जल है ठीक है एंड सेकेंड थिंग ये दोनों पैरल लाइन्स हैं और ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर है दोनों लेफ्ट साइड पर हैं ये ठीक है दोनों सेम साइड पर अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर उनको बोलते क्या है को इंटीरियर एंगल्स ठीक है एंड सेकेंड थिंग इनकी क्या स्पेशलिटी होती है इनकी स्पेशलिटी होती है कि इन जब इनको जब हम ऐड करते हैं वी गेट 180 डिग्री सो इट मीन्स टू एक्स माइनस एट प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री नाव अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट्स को पहले मैं हटा देती हूं टू एक्स माइनस एट प्लस की वजह से इनका साइन चेंज नहीं होता अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता है सो इट वुड बी थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एटी डिग्री नाउ टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन जस्ट आई हैव सॉल्व इट लाइक इन इक्वेशन यहाँ पे माइनस एट एंड माइनस सेवन इंटीजर्स हैं दोनों तो माइनस माइनस प्लस कर दिया इट वुड बी माइनस फिफ्टीन एंड सेकेंड बिकॉज़ टू एक्स प्लस एक्स इज फाइव एक्स आई हेयर फाइव एक्स सो इट वुड बी फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री फिर से मैंने दो स्टेप्स को सेम लाइन में किया है तो मैंने ये इम्प्लाइज का साइन लगाया है यहाँ पे ठीक है अब फाइव एक्स जो है दूसरी चीज़ माइनस फिफ्टीन तो ट्रांसपोज कर दिया मैंने राइट right साइड पे इसको इट वुड बी प्लस फिफ्टीन हेयर सो इट वुड बी वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव एंड फाइव मल्टीप्लीकेशन में था इधर एक्स के साथ सो ऑब्वियसली राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा सो इट वुड बी थर्टी नाइन अपॉन फाइव सो मैंने फ़ाइव से सिंप्लीफाई किया आई गॉट थर्टी नाइन डिग्री सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेवन सो एंगल्स अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो एंगल्स तो बड़ा इजिली आ जाएगा हम जस्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है तो थर्टी नाइन मैंने एक्स को पुट कर दिया इट बिकेम टू इंटू थर्टी नाइन माइनस एट तो सॉल्व किया तो आंसर आया सेवेंटी डिग्री एंड सिमिलरली सेकेंड एंगल में पुट किया एक्स की वैल्यू को थर्टी नाइन तो आई गॉट 3 into 39 minus 7 is equals to 117 degree minus 7 so it would be the answer that is 110 degree so at finally we can write it as okay first angle was 70 degree and second angle was 110 degree